स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा और आज हम बात करने वाले हैं वीवो के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन X70 Pro Plus के बारे में। इसमें इन्होंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करी हैं, बड़े सारे चेंजेस किए हैं, डिजाइन भी एकदम मस्त सा नया सा है इसमें, और कैमरा सेंसर की तो बात ही क्या है, मतलब गिम्बल वाला कैमरा सेंसर है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला उसकी जबरदस्ती अनबॉक्सिंग और बताएंगे इसके बारे में आपको सब कुछ, तो अंत तक टिके रहिए। तो आइए जरा देखते हैं बॉक्स को ध्यान से। X70 Pro Plus का जो बॉक्स है बड़ा ही मस्त डिजाइन वाला आता है, उस पर लिखा हुआ है को इंजीनियर्ड विद ज़ायस। उसके बाद अंदर जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो आपको दिखाई देता है कि अंदर आपको मिल रहा है स्मार्टफोन। बॉक्स पर लिखा हुआ है फोटोग्राफी रीडिफाइंड, और कैमरा सेंसर देख के तो वैसी ही फीलिंग आ रही है कि फोटोग्राफी को ये लोग रीडिफाइन करने वाले हैं। अंदर आपको मिलता है इसके लिए एक हार्ड केस बम्प कवर जो कि इसकी साइड्स पे आपको प्रोटेक्शन देगा और बैक पे भी काफी हद तक प्रोटेक्शन देगा आपको। और आपको अंदर मिल रहा है इसी के लिए इन ईयर स्टाइल के ईयरफोन्स, और मिल रहा है इसके लिए फास्ट चार्जिंग अडैप्टर, फ्लैश चार्ज अडैप्टर वीवो की नई टर्मिनोलॉजी है इसके लिए। मुझे ये बात बहुत सही लगी कि वीवो ने इन ईयर स्टाइल के ईयरफोन्स इंक्लूड करे बॉक्स में, आजकल तो भाई कोई भी नहीं देता, तो वेल एंड गुड। अंदर आपको मिलता है इसके लिए सिम ट्रे इजेक्टर टूल, और आपको मिलता है इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, ये सब। और इसी के अलावा अंदर आपको मिलता है इसके लिए एक USB Type A to USB C केबल जिसकी मदद से आप इसको तेजी से चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग, आइए जरा बात करते हैं बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड और डिजाइन काफी हद तक बड़ा ही स्टर्डी और सॉलिड है, एकदम फ्लैगशिप वाली वाइब है यहाँ पे। वीवो की ब्रांडिंग है पीछे स्मार्टफोन पे। जो बैक है उसका डिजाइन बहुत ही जबरदस्त है, राइट हैंड साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है। टॉप पे आपको अलग से ब्रांडिंग मिलती है फोटोग्राफी रीडिफाइंड वाली। इसके अंदर आपको इनफ्रारेड रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, बहुत बढ़िया बात। बॉटम पे आपको मिलता है सिम ट्रे यूएसबी सी मॉड्यूल, और आपको मिलता है इसके लिए स्पीकर ग्रिल। और जरा बैक पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चार कैमरा सेंसर मिल रहे हैं बड़े बड़े एकदम, और वहां पे प्रो प्लस की जो ब्रांडिंग है वो अलग सी बड़ी सी बनी हुई है, और ज़ायस का भी लोगो इन्होंने लगा रखा है बैक पे ही। आइए जरा बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में थोड़ा सा और। तो भाई जो X70 सीरीज है ये आती है फ्लोराइट AG टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि बैक पे वो जो फिनिश है एकदम सैटिन फिनिश, वो वाली फिनिश को डेवलप करने के लिए यूज किया गया है। कंफर्टेबल है भाई हाथ में काफी हद तक, और फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंस है इसमें, यानी कि ऑलमोस्ट मैट स्टाइल की फिनिश है ये। अगर हम बात करें इस फोन के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, तो आपको मिलता है X70 Pro Plus Snapdragon 888 प्लस 5G चिपसेट के साथ, और इसी के अंदर आपको मिल रहा है लेटेस्ट 5G मॉडेम X60 5G मॉडेम जो कि काफ़ी अच्छी आपको स्पीड देगा। और यहाँ पे 6th जनरेशन का AI इंजन दे रखा है जो मतलब स्नैपड्रैगन 865 से 73% फास्टर है। ये जो डिस्प्ले आती है LTPO टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका मतलब होता है इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, यानी कि 1 से लेके 120 Hz तक वेरिएबल रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको मिलती है, जिसका मतलब है कि पावर सेविंग होगी इसमें। और जब आप नॉर्मल कंटेंट देख रहे हैं तो रिफ्रेश रेट नीचे चला जाएगा, जैसे आप उस डिस्प्ले को टच करेंगे तो 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट चली जाएगी, तो वो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी नॉर्मल मैक्सिमम ब्राइटनेस जाती है 500 निट्स तक, और HDR कंटेंट देखते वक्त आपको 1500 निट्स तक की भी लोकल पीक ब्राइटनेस यहां पे मिल सकती है। ये 10 बिट डिस्प्ले है, यानी कि ये 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और इसी के अलावा 517 पिक्सल पर इंच की इसकी पिक्सल डेंसिटी है। यह आता है UFS 3.1 स्टोरेज के साथ, जिसकी रीड राइट स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो आपका फोन ज्यादा समय तक एकदम स्मूथ बना रहेगा। LPDDR5 इसके अंदर रैम है जो कि काफी हद तक पावर एफिशिएंट होती है, और आपका बैटरी पे ड्रेन कम आएगा यहाँ पे। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भाई लंबे समय तक बहुत सारे ऐप्स चलाते हैं और आपको रखने अपने ऐप्स मेमोरी के अंदर बहुत लंबे समय तक, तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस फोन से, उस मामले में काफी बढ़िया था। जो X70 Pro Plus है ये सिर्फ एक मॉडल में उपलब्ध होता है, 12GB रैम वाला मॉडल जो है इसका, और इसमें इससे लोअर रैम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से सही है, इन्होंने फ्लैगशिप एक्सपीरियंस को लिमिट कर रखा कि भाई 12GB रैम लोगे तो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस तो इसी पे ही मिलेगा, इससे कम में फ्लैगशिप का मजा कहाँ आएगा। इसी फोन के अंदर आपको मिलते हैं डुअल स्पीकर्स जो X70 Pro Plus है, इसमें ऑलमोस्ट 3D स्टीरियो स्पीकर एक्सपीरियंस यहाँ पे आता है। और इसी के अलावा जो इसमें हैप्टिक इंजन है वो एक्स एक्सिस हैप्टिक इंजन है, जिसका मतलब कि जब आप इसको यूज करेंगे तो हैप्टिक फीडबैक बहुत ही जबरदस्त मिलता है। जो डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है वो काफी हद तक फास्ट और रिस्पॉन्सिव है, और इजिली हम इसको अनलॉक कर पा रहे थे। और अगर बात करूँ मैं परफॉर्मेंस के ही बारे में, तो स्नैपड्रैगन 888 प्लस भाई कोई मजाक नहीं है, बहुत ही टॉप लेवल का चिपसेट है।
एंड वही परफॉर्मेंस ऑल अक्रॉस द बोर्ड देखने को हमें मिलती है यहाँ पे। याद है फ्रंट टच ओएस के लेटेस्ट वर्जन के साथ एंड काफी हद तक अब पहले से सुधार किया गया है वीवो द्वारा एंड वो एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड गेम्स वगैरह में भी परफॉर्मेंस काफी हद तक एक्सेप्टेबल था और आप जितनी भी मॉडर्न गेम्स हैं उनको अच्छे फ्रेम रेट पे यहाँ पे खेल सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये IP68 डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ भी है जो कि इसके बड़े फीचर्स में से एक है। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वीवो ने इस बार कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी, एकदम ही वो अब इस बार फ्लैगशिप बनाने निकले थे और उन्होंने फ्लैगशिप बना ही डाला फाइनली। तो बिल्कुल मतलब नो होल्ड्स बार्ड फोन बनाया है बड़े ही टाइम बाद वीवो ने और ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। X70 Pro Plus आता है 4500 mAh की बैटरी के साथ और कंबाइन किया जाए इसको एक 1 से 120 हर्ट्ज तक जाने वाले वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाले एक डिस्प्ले के साथ और अन्य कुछ चीजों के साथ तो आपको फाइनल जो बैटरी लाइफ मिलती है वो एक एक्सेप्टेबल और अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है। फॉर श्योर बड़ा स्मार्टफोन है, बड़ी डिस्प्ले है, पावर हंग्री होती है, कंपोनेंट्स भी इसमें भारी भारी लगे हैं जो कि पावर ज्यादा खाते हैं, बट फिर भी आपको वन डे बैटरी लाइफ की यहाँ पे उम्मीद रखनी चाहिए। और इसी के अलावा अगर बात करें मेन लाइक जो एलिफेंट इन द रूम है यानी कि जो असली मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि वीवो का जो X70 Pro Plus है उसमें कैमरा पे बहुत ज्यादा काम किया गया है। भैया ज़ाइस की क्रो ब्रांडिंग है यहाँ पे, ज़ाइस के जो ऑप्टिक्स और लेंसेज होते हैं वो तो वैसे ही वर्ल्ड फेमस है और जरा ये इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। एकदम जबरदस्त इमेजिंग नीड्स को पूरा करने के लिए X70 सीरीज में सभी लेंसेज के ऊपर ज़ाइस की कोटिंग है। अब ये जो ज़ाइस टी कोटिंग है ये आपको एंटी रिफ्लेक्शन ग्लास प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे और इसी के अंदर आपको गोस्टिंग हो गई, चाहे अजीब से जो लाइट के ऐसे इफेक्ट्स आ जाते हैं कई फोटोज में बाहर की रोशनी के सिनेरियोज में, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और जो इसके अंदर मेन कैमरा सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का GN1 सेंसर है और 48 मेगापिक्सल का इसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड गिम्बल कैमरा भी है, काफी बढ़िया 114 डिग्री का वाइड एंगल फील्ड ऑफ व्यू आपको देता है। इन्होंने इसी के अलावा क्लासिक जो ज़ाइस के पोर्ट्रेट स्टाइल फीचर्स होते थे जैसे कि बायोटार, डिस्टागनल प्लानर और सोनार, इन स्टाइल्स को इन्होंने इसी फोन में इंक्लूड किया है। और एक और इसमें इन्होंने फीचर डाला है सुपर नाइट वीडियो नाम से, जिसकी मदद से आप एकदम लो लाइट में भी बढ़िया वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों वीवो का X70 Pro Plus जो है वो लॉन्च हो चुका है और आज से उपलब्ध है ₹79,990। इस प्राइसिंग पे बहुत ही सारे फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स के साथ आता है। एंड्रॉइड फोन्स में कुछ ही अब टॉप लेवल के ऐसे फोन रह गए हैं जो कि आपस में ऐसे कम्पीट कर रहे होते हैं, जैसे कि मतलब दो तो मैं ऐसे ही नाम दे सकता हूँ कि Mi 11 Ultra होगा, Samsung का S21 Ultra होगा। इसके अलावा तो ज्यादा फोन्स बचे भी नहीं जो कि ऐसे एकदम फ्लैगशिप एंड पे कंपीट कर रहे हो, तो अगर उन्हीं में मैं चूज करने जाऊंगा तो Vivo वहां पे कड़ी टक्कर दे रहा है उन दोनों स्मार्टफोन्स को अपने अलग से प्रोफेशनल फीचर्स के साथ। और जो गिम्बल कैमरा इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे वो तो भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल का है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, गैजेट 360 हिंदी को भाई सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।